यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया और उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आ इंडिया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राहत न मिलती देख अभ्यर्थियों ने गुरुवार को लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षक संघ के बाद अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करते हुए अभ्यर्थी एक स्वर से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन में शामिल हजारों अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही नौकरी देने की आवाज बुलंद की। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब उनके सामने करो या मरो की स्थिति है। वो पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि हमारे माता पिता ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, सोचा था कि टीचर बनेंगे और लोग सम्मान करेंगे, लेकिन लोगों की मानसिकता कितनी खराब है कि हम बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो बैग टांग कर नौकरी के लिए भाग रही है, हम दिन भर इधर से उधर दौड़ रहे हैं। महिला अभ्यर्थी ने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। किसके सामने दर्द अपना लोए, माँ बाप ने पढ़ाया बेटी को सम्मान मिलेगा, हमारी बेटी हमारी रोडों पे भटक रही है, किसे बताया अपना दर्द? नहीं, आज यहाँ आ गए तो सबके फोन आ गए, यहाँ बैठते तो कोई नहीं आता। इतनी सुरक्षा हो गई है कि मंत्री जी अपने अपने दौर पे चार कदम नहीं आ पाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार से सिर्फ आश्वासन मिलते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें उल्टे धमकी दी जाती है कि सड़क पर घूमने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने हक और हुकूक के लिए संघर्ष का आह्वान कर रहे हैं। उनके द्वारा एकजुटता के लिए सहयोगी अभ्यर्थियों में किस तरह जोश भरा जा रहा है, इस वीडियो को देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताते चले कि यूपी के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट फिर से बनाने के लिए पहले ही कहा जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने में पूरी लिस्ट सही करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तमाम दलीलों को स्वीकार किया है। बता दें कि 5 जनवरी 2022 को 68,000 सीटों की लिस्ट निकली थी। उस लिस्ट के सामने आते ही शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, यहां तक कि मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया। बता दें कि यह 69,000 शिक्षक भर्ती के यह वह अभ्यर्थी हैं जो एक अंक से नियुक्त पाने से वंचित रह गए हैं और पिछले कई दिनों से इको गार्डन लखनऊ में धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर अब भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई तो वह सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव करेंगे और उनसे मिलकर अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विभागीय अधिकारी उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं।
धरने में शामिल दुर्गेश शुक्ला, रोहित शुक्ला, प्रसून दीक्षित का कहना है कि विभाग हमें जानबूझकर नियुक्ति नहीं दे रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 महीने पहले ही एक अंक बढ़ाने से संबंधित आदेश दिया था और फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाते हुए सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुब नगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल, सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।